हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू नित्या विश। तो आज इस वीडियो के अंदर हम करने वाले हैं विलियम वर्डवर्थ की जो पोएम है हमारे सिलेबस में दी गई है डैफोडिल। तो डैफोडिल पोएम मैं यहाँ सब आपको कराने वाली हूँ, सारी लाइन टू लाइन मैं समझाने वाली हूँ। तो जो प्रीवियस लेक्चर था उसके अंदर हमने सारा समझा विलियम वर्डवर्थ के बारे में, जिस एज से वो बिलोंग करते थे, रोमांटिक एज के पोएम थे विलियम वर्डवर्थ। तो उनके रोमांटिक एज के बारे में सारा हमने पढ़ा। तो आज हम करते हैं उनकी जो पोएम विलियम वर्डवर्थ की जो पोएम है डैफोडिल उसके बारे में। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो जो ये पोएम है डैफोडिल, ये 1807 में पोएट ने लिखी है, और क्योंकि ये रोमांटिक पोएट थे तो इन्होंने नेचर के ऊपर ही लिखा है। तो बड़ी ही सुंदर और बड़ी ही प्यारी सी और सिंपल सी पोएम है डैफोडिल। डैफोडिल एक तरह का फूल होता है, जैसा कि आप पिक्चर में देख लिया, इस तरह का ये फूल होता है और इसके ऊपर इन्होंने पोएट ने बड़ी ही प्यारी सी पोएम लिखी है। तो चलिए पढ़ते हैं। आई वंडर लोनली एज ए क्लाउड, जो पोएट है वो कह रहे हैं कि मैं वंडर्ड होता है घूमना, निरुद्देश्य ही घूमना, मतलब कहीं पर भी जब हमें ये ना हो कि हमें कहाँ जाना है तो हम ऐसे ही बिना सोचे कहीं पर भी घूमते रहते हैं, इधर उधर घूम फिर रहे हैं, जिसे कहते हैं भटकना। तो कहते हैं कि आई वंडर लोनली एज ए क्लाउड, मैं अकेला बादलों की तरह इधर उधर भटक रहा था। दैट फ्लोट्स ऑन हाई ओवर वेल्स एंड हिल्स, और जो बादल हैं, बादल क्लाउड्स जो है उनके बारे में कह रहे हैं कि वो बह रहे थे ऊंचे पहाड़ियों के ऊपर और घाटियों के ऊपर। वेल्स एंड हिल्स, घाटियों और पहाड़ियों के ऊपर, फ्लोट होता है बहना, वो पहाड़ियों के ऊपर और घाटियों के ऊपर ऊंचे बह रहे थे और मैं भी उन्हीं की तरह भटक रहा था। When all at once I saw a crowd, और तभी अचानक से मैं एक भीड़ देखता हूँ। A host of golden daffodils, होस्ट होता है झुंड, एक झुंड है सुनहरे डैफोडिल्स का। Beside the lake beneath the tree, beside the lake का मतलब कि जो झील है उसके बगल में, और beneath the tree मतलब पेड़ के नीचे, झील के बगल में और पेड़ के नीचे मैं सुनहरे डैफोडिल्स का झुंड देखता हूँ। फ्लटरिंग एंड डांसिंग इन द ब्रीज, जो कि हवा में फ्लटरिंग मतलब झूम रहे हैं और डांस कर रहे हैं। तो ये फर्स्ट पैराग्राफ है जो कंप्लीट हो गया है, और ये जो पोएम है ये फोर पैराग्राफ्स में डिवाइड है। तो ये जो फर्स्ट पैराग्राफ है बड़ा ही सुंदर पोएट ने लिखा है कि मैं अकेला बादलों की तरह जो कि ऊंचे आसमान में घाटियों और पहाड़ियों के ऊपर घूमते रहते हैं, बहते रहते हैं, मैं उनकी तरह भटक रहा था। तभी मैं क्या देखता हूँ, मैंने एक झुंड देखा, एक क्राउड देखा, एक भीड़ देखी। और क्या भीड़ थी वो? वो भीड़ थी गोल्डन डैफोडिल्स के झुंड की, जो कि हवा के साथ में बह रहे थे, डांस कर रहे थे, झूम रहे थे और नाच रहे थे। बिसाइड द लेक, क्या थे वो? लेक के बगल में थे और पेड़ के नीचे झूम रहे थे और डांस कर रहे थे। अब जो सेकंड पैराग्राफ है, कॉन्टिन्यूस इज द स्टार्स दैट शाइन, कहते हैं कि ये जो डैफोडिल्स के जो ये फूल हैं, फूलों का जो ये झुंड है, ये कैसे, ये जैसे कि ये स्टार्स होते हैं, जो तारे होते हैं जो लगातार चमकते रहते हैं, उसकी तरह ये लगातार चमक रहे थे। ये जो डैफोडिल्स के झुंड है ये तारों की तरह लगातार झूम रहे थे। एंड ट्विंकल ऑन द मिल्की वे, और जैसे कि आकाशगंगा में तारे टिमटिमाते हैं उसी तरह ये टिमटिमा रहे हैं मिल्की वे की, एक लंबी कतार है इनकी और उसमें ये टिमटिमा, जैसे मिल्की वे में तारे टिमटिमाते हैं उस तरह से ये अपनी कतार में टिमटिमाते हुए लग रहे हैं। दिस ट्रेस इज नेवर एंडिंग लाइन, और ये जो नेवर एंडिंग लाइन है इसको इन्होंने आकाश गंगा से कंपेयर किया है कि एक ये लंबी एक लाइन, अनंत एक लंबी लाइन के अंदर ये खिले हुए हैं, स्ट्रेस मतलब खींचे हुए, दूर तक दिखाई दे रहे हैं लंबी लाइन में। अलोंग द मार्जिन ऑफ ए बे, और कैसे इसको घाटी पहाड़ी या फिर झील के जो किनारे पर, उसके किनारे किनारे ये बिछे हुए हैं और ये लंबी लाइन में खिले हुए हैं, डांस कर रहे हैं। अलोंग दी मार्जिन ऑफ ए बे, कि किसी जो घाटी या झील है उसके किनारे पर ये झूम रहे हैं। 10,000 सा आई एट ए ग्लेंस, और मैंने एक ही ग्लेंस होता है नजर पर,
एक नजर भर डालना, और मैंने एक नजर भर के अंदर ही मैंने 10,000 डेफोडिल्स देख लिए। टोसिंग देयर हेड्स इन सेपरेटली डांस, और वो अपने सिर को हिलाते हुए झुमाते हुए डांस कर रहे हैं। तो ये सेकंड पैराग्राफ था जो आपका कंप्लीट हुआ है। अब इसके बाद में जो थर्ड पैराग्राफ है उसके बारे में पढ़ते हैं। द वेव्स बिसाइड देम डांस, कहते हैं कि इनके बगल में जो बिसाइड देम, इनके बगल में जो झील है, झील के अंदर जो पानी की धारा बह रही है ना, वो भी डांस कर रही है। कहते हैं कि जो पानी की धारा इनके बगल में बह रही है वो भी नाचती हुई प्रतीत हो रही है। मतलब जो पोएट है उसे लग रहा है कि ये भी नाच रही है, बह रही है, वो भी इनके साथ डांस कर रही है। बट दे आउटडिड दी स्पार्कलिंग वेव्स इन ग्ली, लेकिन जो पोएट है वो कह रहा है कि लेकिन इन वेव्स से कहीं ज्यादा सुंदर डांस इन्होंने, ये जो डेफोडिल्स है, ये कर रहे हैं। ए पोएट कुड नॉट बट बी गे, कहते हैं कि एज ए पोएट, कि मैं एक कवि हूं लेकिन मैं कुछ नहीं कर रहा, मैं सिर्फ इन्हें देख रहा हूं और मैं खुश हो रहा हूं। इन सच ए जोकंड कंपनी, इस तरह की जिंदा दिल कंपनी के अंदर मैं सिर्फ इन्हें देख रहा हूं और खुश हो रहा हूं, मुझे खुशी मिल रही है। आई गेज्ड एंड गेज्ड बट लिटल थॉट, कहते हैं मैं इन्हें देखता रहा और मैंने मेरे क्या विचार आया मेरे मन में विचार आया, वॉट वेल द शो टू मी हैड ब्रॉट, कि इनको देखने से मुझे कौन सी दौलत मिल रही है, कि मुझे इतनी खुशी हो रही है इन्हें देख करके, और मैं देखता ही जा रहा हूँ इनमें मगन हो गया हूँ, मुझे इतनी खुशी दे रही हैं इनकी इतनी जिंदा दिल कंपनी, उसमें इन्होंने मुझे ऐसी क्या दौलत दे दी है। तो ये थर्ड पैराग्राफ था जो आपका कंप्लीट हुआ है। और ये अब जो फोर्थ पैराग्राफ है इसको थोड़ा ध्यान से सुनिएगा, बड़ा ही अच्छा पैराग्राफ है ये। फॉर ऑफन वेन ऑन माई कावर चैन आई, कहते हैं कि जब कभी भी मैं अपने सोफे पर, काउच मतलब सोफा, जब मैं अपने सोफे पर लेटा हुआ होता हूँ, इन वैकेंट और इन पेंसिव मूड, या तो जो मैं खाली होता हूँ, या पेंसिव मूड मतलब उदास मूड, जो कि कभी उदास मन में से या खाली मूड में जब मैं वहाँ अपने सोफे पर लेटा होता हूँ, दे फ्लैश अपॉन दैट इन वर्ड आई, तो ये मेरी आंखों के सामने वो नज़ारा फिर से आने लगता है, वो फिर से मेरी आंखों के सामने नाचने लगते हैं। विच इज़ द ब्लिस ऑफ सॉलिट्यूड, जो कि मुझे अकेलेपन में खुशी देते हैं। एंड दे माई हर्ट विद प्लेजर फील्स एंड डांसेस विद द डेफोडिल्स, और जब वो जब मेरे सामने उनके जो वो तस्वीर आती है आंखों के सामने उन नाचते झूमते डेफोडिल्स की, तो जो मेरा हर्ट है, मेरा जो हृदय है, वो खुशी से भर जाता है और इन डेफोडिल्स के साथ ही डांस करने लगता है। तो ये जो पोएम है डेफोडिल्स, ये जो डेफोडिल का जो फूल होता है उसके ऊपर पोएट ने बड़ी ही सुंदर सी पोएम लिखी है। तो इसको आपने समझा, बड़ी प्यारी सी पोएम है, बड़ी सिंपल सी है, कोई ज़्यादा इसमें मुश्किल नहीं है। एक बार रिवाइज करवा देती हूँ। फर्स्ट जो पैराग्राफ है उसके अंदर जो पोएट है वो कह रहा है कि जैसे बादल झूमते हैं, बादल ऊपर घाटियों के ऊपर, पहाड़ियों के ऊपर जैसे तैरते हैं, मैं भी उनकी तरफ भटक रहा हूँ इधर उधर, और तभी मैंने क्या देखा, मैंने एक भीड़ देखी, और वो भीड़ थी, एक झुंड था सुनहरे डेफोडिल्स का, जो कि लेक के बगल में थे और पेड़ के नीचे थे, और ये सब डांस कर रहे थे, अपनी मस्ती में झूम रहे थे, डांस कर रहे थे। तभी मैं, ये लगातार ऐसे चमक रहे थे जैसे कोई सितारे चमकते हों, एंड ट्विंकल ऑन द मिल्की वे, और ये जैसे कि आकाशगंगा में तारे टिमटिमाते हैं उस तरह से ये टिमटिमा रहे थे। और कहते ये लंबे बिछे थे झील के किनारे किनारे, 10,000 डेफोडिल्स को मैंने एक ही नज़र में देख लिया, और ये सब अपना सिर हिलाते हुए नाच रहे थे। और कहते हैं कि जो ये पानी की धारा जो झील में साथ साथ बह रही है वो भी इनके साथ डांस कर रही है, लेकिन डेफोडिल्स का डांस इससे कहीं ज़्यादा सुंदर और अच्छा लग रहा है। और क्या पोएट कहता है कि मैं एक कवि होते हुए भी मैं सिर्फ इन्हें देख रहा हूँ और खुश हो रहा हूँ और कुछ नहीं कर रहा, मैं इनको देखता रहा और मैंने सोचा, मतलब मेरे मन में विचार आया कि मैंने सोचा कि इन्होंने मुझे क्या दौलत दे दी, कि मैं इनको देख रहा हूँ मुझे खुशी हो रही है और इन्होंने क्या मुझे इतनी सुंदर ये दौलत दे दी।
और कहते हैं कि जब कभी भी मैं घर पे अपने काउच पे लेटा होता हूँ, जब खाली होता हूँ या उदास मन में होता हूँ, तो मेरी आंखों के सामने वो नज़ारा वापस आ जाता है। और जब मैं उन्हें दे जब वो आंखों के सामने जब वो डैफोडिल्स झूमते हुए मेरे सामने नज़र आते हैं मुझे, तो जो मेरा जो अकेलापन है वो खुशी से भर जाता है और मेरा दिल खुशी से झूम उठता है और मैं मेरा दिल भी इन डैफोडिल्स की तरह इनके साथ नाचने लगता है। तो ये एक डैफोडिल पोएम है जो हमारी यहाँ कंप्लीट होती है। आपकी सिलेबस में ये पोएम है तो इसे ध्यान से पढ़िएगा। तो इसी के साथ मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, नेक्स्ट लेक्चर में। टिल देन कीप प्रैक्टिसिंग। थैंक यू।